तो चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर इस बीच दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस पूरे प्रकरण में आरोपियों के घर में तोड़फोड़ भी की गई है। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल मंगोलपुरी में बीती रात रिंकू की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। तो दिल्ली में रिंकू हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र अमिताभ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शिवेंद्र, अब रिंकू हत्याकांड पर पूरे देश की नजर है, ताजा अपडेट में चाहूंगा आप बताएं क्या है इस पूरे प्रकरण पर। देखिए वैभव, 5वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया दिल्ली पुलिस ने और साथ ही जो आरोपियों के घर हैं उनको उनकी सुरक्षा बढ़ाई दी गई है क्योंकि तोड़फोड़ अभी बता रहे हैं कि हुई है और इस मामले को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। तमाम विपक्षी दल जो हैं और जो सत्ता में मौजूद नेता हैं वो लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। तो पुलिस पूरे मामले की जांच करिए और जो आरोपी हैं जिनके नाम आए हैं सामने उनको गिरफ्तार करिए और साथ ही साथ आरोपियों के घरों की सुरक्षा साथ बढ़ा दी गई है। शिवेंद्र, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो कुछ और कहते हैं, जो पुलिस वालों ने अपने बयान में कहा वो कुछ और कहते हैं, कब तक पता चलेगा? बिल्कुल वैभव आप सही कह रहे हैं। देखो दो थ्योरी है इसमें, पुलिस का जो वर्जन आ रहा है वो बिल्कुल ये आ रहा है कि बर्थडे पार्टी को लेकर ये पूरी वारदात हुई है, लेकिन जो एक परिवार का आरोप है वो धार्मिक चीजों को लेकर बता रहे हैं कि आपसी कहा सुनी थी काफी समय से धार्मिक चीजों को लेकर इनके आपस में मतभेद था। तो अलग अलग एंगल है लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखने का विषय होगा इसमें क्या निकल के आता है। फिलहाल जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत है, एक आदमी की हत्या हुई है, एक लड़के की हत्या हुई है, इसको पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और आगे जितने भी बचे आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। शिवेंद्र, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो रिंकू है ये जिसकी हत्या की गई है निर्मम तरीके से, ये विश्व हिंदू परिषद का सदस्य था और राम मंदिर में जो चंदे को लेकर टीम गठित की गई उसका भी हिस्सा था। बीएसपी की तरफ से बयान आया है कि ये राम मंदिर को लेकर जो है चंदा इकट्ठा कर रहा था और 5 तारीख को जब 5 अगस्त को पूरा मामला जब राम मंदिर को लेके वहां पे भूमि पूजन था तब इसने जो है कार्यक्रम किया था, रैली निकाली थी, तो उसको लेके जो विपक्ष आरोपी थे वो जो है बड़ा नाराज थे, वो बड़ा मतलब विरोध कर रहे थे ऐसा परिवार का कहना है। लेकिन पुलिस ने इस तरह की चीजों को पूरी तरह से नकार दिया है क्योंकि रीजन ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां उनका कुछ अलग वर्जन है, पुलिस का अलग वर्जन है, लेकिन अब हमें जो देखा है वो पुलिस के वर्जन को ही लेके हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए शिवेंद्र, आप इस खबर पर लगातार नजरें बनाए रखिएगा, लगातार आपसे एक एक अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।